क्या लगता है हावी कौन सा मुद्दा रहेगा 2024 में? विकास का, शिक्षा का और रोजगार का। सबसे अहम बात जो है वो रोजगार है। हिंदू एकजुट हो रहा है, सवाल बात हिंदू की नहीं है ना ही मुसलमान की है। जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदुस्तानी है, और हर आदमी को रोजगार चाहिए, अपने बच्चों की शिक्षा चाहिए और व्यापार चाहिए। लेकिन ये मुद्दे काम तो नहीं करते ना चुनाव में, क्या लगता है कि ये जो विपक्ष है वो झुका देगा, विपक्ष एकजुट हो पाएगा 2024 से पहले? विपक्ष देखो मेरी बात सुनो, हम राजनीति की बात बाद में करें, पहले हम व्यापार की करें, रोजगार की करें, बच्चों की शिक्षा की करें, देश की करें, देश हित की करें, राष्ट्र की करें, सबसे अहम बात ये है। आपने मुद्दे बता दिए, लेकिन लगता क्या है कि 2024 में कौन आ सकता है? 2024 में तो मोदी आएगा। क्यों लगता है कि मोदी आएगा? अरे मोदी ने हिंदुस्तान की कहीं भी कोई पहचान नहीं थी, और 2014 के बाद में जो पहचान हिंदुस्तान की पूरे वर्ल्ड में, मतलब 2024 से पहले, 2014 से पहले नहीं थी, नहीं भारत को कोई जानता ही नहीं, कोई नहीं जानता था, कौन जानता था? भाई साहब उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? लगभग 45 प्लस हो गए, 50 होगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि पहले 50 साल में पहले हिंदुस्तान को जानता था? जो पहचान हमारी 2014 के बाद में हुई है आम आदमी, खास करके हिंदुस्तान, इंदिरा गांधी जी थी। क्या उनकी पहचान नहीं थी? वो भारत की नहीं थी? गांधी जी की पहचान रही है एक, वो भारत की नहीं थी, एक विशेष धर्म के लिए रही है। आप बात धर्म की देखो।